अच्छा, ये इस वक्त हम मौजूद हैं लियारी में। तो लियारी का नाश्ता बड़ा मशहूर है, लियारी के चने और साथ साथ लियारी के चटपटे जो मसाले हैं उसका नाश्ता यहाँ के लोग ख़ास तौर पे करने आते हैं। तो इस वक्त हम लियारी में मौजूद हैं। लियारी के जो लोग हैं हम उनसे जानते हैं कि लियारी का नाश्ता वैसे कितना मशहूर है, क्योंकि लियारी में अक्सर ये गलियाँ हैं जहाँ पर लोग जो है वो अपने घरों में इतवार का दिन होता है तो बड़े शौक से लेने आते हैं। तो इस वक्त भी जो है लोग पार्सल कराने के लिए आए हुए हैं। तो साथ साथ हम यहाँ पे लोगों से बात करेंगे और लोगों से पूछेंगे कि लियारी का ये नाश्ता कितना मशहूर है और कितना लोग ये इसको लियारी के नाश्ते में पसंद करते हैं। अगर लियारी के नाश्ते में बात करें तो ये चने हैं, चने के साथ ये डबल रोटी है। तो आप देखें ये डबल रोटी के साथ ये नाश्ता होता है जो बड़ा अच्छा नाश्ता होता है। तो ये लोग दूर दूर से खाने आते हैं। तो हम पूछेंगे कि ये लोग कहाँ कहाँ से खाने आते हैं और कितना दूर से ये नाश्ते को जो है लोग खाने आते हैं। तो यहाँ पे इस वक्त आप देखें इसमें ये चटपटी जो है, तो ये देखें तो ये लियारी का ये नाश्ता बड़ा मशहूर नाश्ता। तो ये बात करते हैं इनसे, क्या कहते हैं ये, क्या कहेंगे लियारी के नाश्ते के बारे में? लियारी का नाश्ता कितना मशहूर है, ये बहुत आते हैं भाई। मच्छर दे, समंदर दे, किल्पन दे और सोराबोर से, गाजियाबाद से और क्या नाम है ये सोराबोर, न्यू कराची से, बहुत दूर से आते हैं खाने। तो खाने ये चने भाई पहले इसको पाल दें, फिर इसमें मसाला वसाला लाते हैं ना, जो वाले मसाले वसाले लाते वो। तो ये बन के साथ देते हैं? बंद बनाते हैं, फिर ये गोल वाला बंद बनाते हैं। ये मशहूर है, उधर दूसरी जगह पे नहीं मिलते ना, इधर मशहूर होते हैं। बस जिसको शुरू से खाते हैं ना ये लोग, बलूच खाते हैं, पठान खाते हैं, माजर खाते हैं और कच्ची खाते हैं। सलाम। तो एकदम बिहार कॉलोनी में मौजूद है, लियारी का इलाका है। लियारी में जब भी आते हैं चना चाट ज़रूर खाते हैं, क्योंकि यहाँ की जो लोकेलिटी में इतना ही फेमस है। सुबह सवेरे लोग जो है मोस्टली वीकेंड पे बड़ी रश होती है, तो ये काफ़ी मज़ेदार है। चटपटी है, पापड़ी मसाले के साथ और सुबह सवेर खाना, मतलब उसका एक अलग ही मज़ा है। तो कहूँगा कि आप ज़रूर कराची आते हैं और अगर आप फूड लवर हैं तो ज़रूर आप बंस रोड या बाकी चीज़ों के अलावा कराची में ये लियारी में भी आए और ये चाट ज़रूर खाएँ। देखिए, जो लोग अपनी रवायतों को बरकरार रखते हैं वो काफ़ी मतलब अच्छे लोग होते हैं, क्योंकि वो तसलसल को कंटिन्यू करते हैं। दूसरी बात यह है कि जहाँ बात नाश्ते की है, तो नाश्ता जब भी आपके टेबल पे दस्तरखान सजता है तो जब वो रवायती होता है तो उसमें वो दुगना मज़ा करता है। तो लोगों को कहूँगा कि आप बाकी जो फास्ट फूड जंक फूड से बेहतर है कि आप यहाँ पे रुक करें। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, हम लोग इधर आते हैं बिहार में, हम लोग आए हुए हैं सही है नाश्ता करने। बिहार नाश्ता भी बिहार का मसला अच्छा है। बलोची नाश्ता भी रहता है, बाकलेट, मुरसवाबी, काबली, हम लोग का बलोची नाश्ता यही है। एक शीख, हम तो शौक से खाते हैं शीख, बताइए ना भाई। अभी ये छोले का अलग अलग छोला होता है, मसाला वाला भी होता है, दूसरा भी होता है। सुबह सुबह नाश्ता हम लोग को इतवार को मछला सही मिलता है, सही है भाई। तो आप क्या समझते हैं दोस्तों के साथ आते हो तो कितना अच्छा लगता है, किस तरीके से आप आते हैं? दोस्तों का साथ भी अच्छा लगता है, फैमिली का साथ भी हम लोग को अच्छा लगता है, खाने में मज़ा आता है। छुट्टी का दिन होता है इतवार को, हम लोग को एक छुट्टी मिलती है, हम लोग बोलते हैं घर पे कि हम लोग के साथ नाश्ता हम लोग खा लेते हैं। तो दोस्तों के साथ पूरा मना लेते हैं कि आज नाश्ता, हाँ सारे साथ मिल के हम लोग कर लें नाश्ता।